Hello everyone, welcome to the online class of Sri Ram Public School. Myself Pragati Pandey, and today we are going to discuss the first chapter of your geography book, that is environment. So as you know that environment is none other than our surrounding. That means whatever is present in our surrounding, in beside us, that is the part of environment. Environment में वो हर चीज़ इंक्लूड है जिसको आप देखते हैं, महसूस करते हैं और जो आपके आसपास प्रेजेंट होती है, वो सब एनवायरनमेंट का ही पार्ट है. सो स्टूडेंट्स, योर बुक इज़ बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनसीईआरटी पैटर्न. सो इफ़ यू डोंट हैव योर बुक विथ यू, जस्ट डाउनलोड द एनसीईआरटी बुक ऑफ योर क्लास एंड you can study with that only. Okay, so the first chapter of your book is environment. To maine pehle hi bataya ki environment jo hai wo hamare alawa ya hame bhi include karke environment jo hai jo hum jitni cheezon ko dekhte hain, jo cheezon ko mehsoos karte hain aur jo bhi cheeze hamare basic life ke liye important hoti hain, wo sabhi environment ka part hoti hain. Let us continue with the content of the chapter. After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. कह रहा है कि एक observation दिखा रहा है यहाँ पे कि एक बच्चा है रवि, जब summer vacation ख़त्म होने के बाद वह school पे गया तो उसने देखा कि school के पास वाला जो playground था वो खुदा हुआ था. People said that a huge building with many flats will be constructed there. लोग वहाँ के कह रहे थे कि यहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे. रवि was almost in tears. रवि बहुत ही दुखी था, आंसू थे उसके आँखों में. When he realized that the big playground with its soft grass, marigold and butterflies is gone forever. उसको इस बात का बहुत दुख था कि जो वहाँ पे प्लेग्राउंड था जिसमें ग्रासेस थे, मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे के फूल थे, बटरफ्लाइज वहाँ दिखती थी, अब वो प्लेग्राउंड नहीं रहा. ही शेयर्ड हिज फीलिंग विथ हिज क्लासमेट्स. उसने क्या किया, अपने साथ पढ़ने वाले अपने फ्रेंड से ये सारी बातें शेयर की. इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड सी हाउ आवर एनवायरमेंट इज चेंजिंग. असेंबली का टाइम था, उस टाइम प्रिंसिपल सर जो थे वहाँ के, वो उन्होंने भी इस बात के लिए दुख जताया कि हमारे बगल में बहुत ही अच्छा सा प्लेग्राउंड था जो कि अब फ्लैट्स में कन्वर्ट होने वाला है, और एनवायरमेंट जो होता है वो किस तरह से ऐसे चेंज होता हो जाता है. इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज एनवायरमेंट. क्लास में क्या हुआ, रवि पूछता है अपनी टीचर से कि एनवायरमेंट क्या होता है. तो टीचर ने रिप्लाई किया कि वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, मतलब आप अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं वो एनवायरनमेंट ही होता है. रवि थॉट अलाउड, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल चेयर इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड, ऑल आर पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट. तो रवि कहता है इसका मतलब स्कूल की बिल्डिंग, चेयर, टेबल, क्लासरूम, इवन ओपन फील्ड जो है वो हुआ, रोड हुआ, गार्बेज यानी कि कूड़ा कचरा, मेरे दोस्त, सब एनवायरनमेंट का पार्ट हैं. टीचर ने रिप्लाई किया यस, ये सारे एनवायरनमेंट का पार्ट हैं. बट वेट, सम ऑब, टीचर ने बोला कि रुको, सम ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड बाय नेचर. टीचर ने उसको समझाया कि कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको नेचर खुद बनाती है, जैसे कि माउंटेन, रिवर, ट्री, एनिमल्स, ये सारे कौन बनाता है, नेचर खुद बनाती है. अदर्स आर मेड बाय पीपल एंड सम अदर्स आर मेड बाय पीपल लाइक बिल्डिंग, चेयर, टेबल, रोड, दीज ऑल आर मेड बाय पीपल. नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर बाय ह्यूमन बीइंग. सो इट इज़ ऑल्सो योर असाइनमेंट वर्क, राइट सम एग्जाम्पल्स of man-made things
in the environment and the natural things present in the environment. Okay, here is a some basic definition of environment. So let us read with this also. Environment is our basic life support system. Environment jo hai wo hamare life ka basic support system hai. It provides the air we breathe. Ye hame air provide karta hai jo jiski hum saans lete hain. The water we drink, pani jo ki hum peete hain. The food we eat, jo khana hum khate hain aur jis zameen par hum rehte hain wo sabhi environment hi hai. How do human being modify this natural environment? ह्यूमन इसको किस तरह से मॉडिफाई करता है, नेचुरल एनवायरनमेंट को किस तरह मॉडिफाई करता है अपने रहने के लिए, जैसे कि रोड बनाता है, वाटर को इकट्ठा करके पीने के लिए यूज़ करता है, एयर को, अब देखो आजकल ऑक्सीजन सिलेंडर की कितनी डिमांड है, तो क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको कलेक्ट करके सिलेंडर में भरा जा रहा है, जो आजकल कोरोना पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा हो रहा है, उनको दिया जा रहा है. तो ह्यूमन क्या करता है, ये सारी चीज़ें बनाता है जिससे उसकी लाइफ इजी हो सके. ओके, रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट. कह रहा है कि टीचर ने बताया कि ये सारी चीज़ें आपको जो मैन मेड थिंग्स हैं और जो नेचुरल थिंग्स हैं उनकी लिस्ट बनानी है. तो ये सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि एनवायरनमेंट क्या है, कैसे है और क्या क्या चीज़ें नेचुरल है और कौन सी चीज़ें मैन मेड है, इसकी लिस्ट वो बनाना शुरू कर दिए. व्हाई इज़ आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग. अब क्वेश्चन आता है, ये लिस्ट बनाते टाइम बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि एनवायरनमेंट क्यों चेंज होता है, वो भी पूछता है इकबाल. इकबाल एक फ्रेंड है रवि का ही, वो पूछता है कि एनवायरनमेंट क्यों चेंज होता है. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड. यहाँ पे आप देख रहे हैं एक डायग्राम है जिसमें आपको दिखाया गया है कि कौन सी चीज़ें नेचुरल हैं, कौन सी चीज़ें मैन मेड हैं, क्या हैं. आप देख रहे हैं दिस इज कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. एक है ह्यूमन मेड और एक है नेचुरल. नेचुरल में वाटर, एयर, लैंड, लिविंग थिंग्स ये सारी आती हैं. ह्यूमन मेड में बिल्डिंग्स, पार्क, ब्रिज, रोड, मॉन्यूमेंट्स और इंडस्ट्रीज आती हैं. ओके, इसके बाद जो कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट है इसमें ह्यूमन भी आता है. ह्यूमन में इंडिविजुअल जैसे कि एक सिंगल पर्सन, उसके बाद फैमिली मतलब तीन चार आदमियों से बनी हुई फैमिली, कम्युनिटी मतलब जैसे कि एक मोहल्ला, जैसे कि आप हैं हिंदू है तो हिंदू का एक कम्युनिटी है, मुस्लिम की एक कम्युनिटी है, सिख की एक कम्युनिटी है. तो ये जो होता है वो कम्युनिटी, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स मिलकर के एक फैमिली को बनाते हैं एंड नंबर ऑफ़ फैमिलीज मिलकर के एक कम्युनिटी को बनाती हैं. कम्युनिटी रिलीजन को, और ये जो ह्यूमन की कंडीशन है रिलीजन में भी डिफरेंट पीपल ही इंक्लूड होते हैं. एजुकेशनल, एजुकेशनल ऐसा नहीं है सिर्फ इंसानों को ही तो एजुकेशन दिया जाता है, जानवरों को क्यों नहीं देते. तो जो ह्यूमन है उसमें एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल नंबर ऑफ इंडिविजुअल तीन चार आदमियों से एक फैमिली बन जाती है और कई सारे फैमिली से एक कम्युनिटी बन जाती है. यही कम्युनिटी रिलीजन्स में भी डिवाइड होती है. इसी कम्युनिटी के बच्चे बूढ़े जो भी हैं बड़े वो उसी लेवल का एजुकेशन लेते हैं. जैसे छोटे बच्चे प्राइमरीज में पढ़ते हैं, बड़े लोग कॉलेजेस में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, तो उसके बेसिस पे डिवाइड हुआ. इकोनॉमिक्स जैसे अर्थव्यवस्था, जब ह्यूमन है, जब इंसान है तभी तो उसको पैसे की ज़रूरत है और भारत में या कोई भी देश है वहाँ पे पैसे के लेन देन की यानी कि अर्थव्यवस्था की भी नीड पड़ती है. और जब जनता ज़्यादा होती है तो उनको एक सिस्टमेटिक वे में चलाने के लिए भी पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल सिचुएशन की नीड होती है, तो वो भी यहाँ पर डिस्कस की गई है. ओके, नाउ वी हैव कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट ये जो हमने देखा ये मोटे तौर पे देखा, ठीक है. कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट में दो मेन चीज़ें आती हैं, वन इज बायोटिक एंड सेकेंड वन इज ए बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है. जो हमारा एनवायरनमेंट है
वो चेंज कैसे होता है, ये क्वेश्चन था इकबाल का। तो चेंज इस वजह से होता, पहली चीज़ तो नेचुरल कंडीशंस होती हैं जो एनवायरनमेंट की चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे कि समय समय पर मौसम का बदलना, तो उससे कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है। ये रीज़न तो अलग है, ये एनवायरनमेंट के चेंज के लिए रीज़न रिस्पॉन्सिबल तो है ही, लेकिन मैन की एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के चेंज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस पीपल थिंक एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल एनवायरनमेंट। ऊपर जो भी कन्वर्सेशन हुआ बच्चों के बीच में, उससे हमें ये पता चलता है कि जो प्लेस है, जो आसपास के पीपल हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो नेचर है, जो हमारे आसपास प्रेजेंट है, वो ही एनवायरनमेंट कहलाता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। जो एनवायरनमेंट होता है वो नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिना का कॉम्बिनेशन होता है। दैट मीन्स जैसे कि हम हैं, हमें एयर चाहिए ब्रीथिंग के लिए, लेकिन हमें घर भी तो चाहिए रहने के लिए। तो नेचुरल कंडीशन क्या होगी कि हमें एयर चाहिए, फूड चाहिए, लेकिन हमें रहने के लिए घर भी चाहिए, गर्मियों के लिए पंखा भी चाहिए। तो ये क्या है, मैन मेड चीज़ों की भी ज़रूरत है हमें, और जो नेचुरल थिंग्स हैं उनकी भी ज़रूरत है। तो ये सारी एनवायरनमेंट में इंक्लूड होती हैं, और एनवायरनमेंट जो हमारा होता है वो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, तो जो मैन मेड और जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, इनको दो कैटेगरी में किया गया है। एक है बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट मतलब होता है ऑल द नेचुरल थिंग्स इन द एनवायरनमेंट आर सपोज टू बी कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स, वेयर एज एबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो जो नेचुरल थिंग्स नहीं होती हैं, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं, उनको कहा जाता है एबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग, जो हमारे लिए हेल्पफुल हों, और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, वो भी हमारे लिए हेल्पफुल हों। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है बायोटिक, द वर्ड ऑफ लिविंग, मतलब बायोटिक मतलब जीवित चीज़ों का वर्ड, एग्जाम्पल प्लांट और एनिमल्स। वहीं पर एबायोटिक चीज़ें जो हैं नॉन लिविंग एलिमेंट्स लाइक लैंड, एयर, वाटर, सॉयल, ये सारा एबायोटिक है। तो आपके लिए असाइनमेंट वर्क है कि आप एक लिस्ट बनाएंगे नेचुरल थिंग और मैन मेड थिंग्स का। एंड सेकेंड क्वेश्चन फॉर यू इज मेक अ लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू एवरीवन।